फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी पॉइंट नंबर वन पे। हम लोग को जिस चीज़ का इंतजार था आंसर की का, वो आखिर आ ही चुका है। सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आंसर की आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में जाके। और अभी जैसे बहुत कोई है कि जैसे रिस्पॉन्स की डाउनलोड करना है तो रिस्पॉन्स की डाउनलोड नहीं कर पा रहे क्योंकि वो पासवर्ड भूल चुके हैं। तो कैसे हम रिसेट कर सकते हैं पासवर्ड, वो सब अभी हम लोग इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सीटेट से रिलेटेड जो है वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। और अभी हम लोग जैसे आंसर की को अगर चैलेंज करना होगा तो किस तरह से चैलेंज आप कर सकते हैं, इस पर भी वीडियो बना देंगे, ताकि आप लोग को अगर किसी भी मतलब आपका क्वेश्चन में अगर डाउट लगे कि हाँ ये आंसर गलत है और इसका मार्क्स में कटा है, तो आप लोग चैलेंज कर सकते हैं आसानी से। फिलहाल तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपना रिस्पॉन्स की को है जो डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में आके आपका seated.nic.in टाइप कर लेना है। इसके बाद हम लोग इस तरह से इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच गए हैं सीटेट का। यहाँ पे रिस्पॉन्स की हम लोग को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कैंडिडेट एक्टिविटी नीचे में है, यहाँ पे लॉगिन सीटेट दिसंबर 2022, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका खुल गया है इंटरफेस। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ सीटेट दिसंबर 2022, एप्लीकेशन नंबर आपको डाल लेना है, पासवर्ड। ये पासवर्ड आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं डालना है, ये पासवर्ड आपका होगा जब सीटेट का फॉर्म आपने भरा था तो उस समय रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जो पासवर्ड रखा होगा, जैसे बहुत कोई अपना नेम का रखते हैं या फिर @digit वगैरह में रखते हैं, तो वो वाला पासवर्ड यहाँ पर भरना है आपको। डेट ऑफ बर्थ नहीं भरना है, उससे आपका नहीं खुल पाएगा। और फिर यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन जो है वो भरना है। तो जैसे पासवर्ड बहुत कोई है अभ्यर्थी जो है वो पासवर्ड भूल चुके हैं, तो उनका जो रिस्पॉन्स की है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिला है फॉरवर्ड पासवर्ड का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रहा है कि यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर यू चूज़ ड्यूरिंग फॉर्म फिल। आपने जब फॉर्म फिल किया होगा, तो रजिस्ट्रेशन जब किया था तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी था कि अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो वो क्वेश्चन अगर का आंसर आपको याद होगा अगर, तो जैसे आपका स्कूल नेम क्या है इस तरह का, और 2-3 क्वेश्चन था, तो अगर आपको वो याद है तो आप भर सकते हैं। फिर सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पर है यूजिंग अ वेरीफिकेशन कोड सेंड वायर टेक्स्ट मैसेज टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया होगा फॉर्म भरने टाइम, उस पर आपका जो है SMS भेज दिया जाएगा और आपको OTP आ जाएगा, और फिर उसके बाद वहाँ पे आपका पासवर्ड जो है शो हो जाएगा, आप भर देंगे आराम से। और थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे यूजिंग ए रीसेट लिंक सेंड वाया ईमेल टू योर रजिस्टर्ड ईमेल IDs। फिर इसके बाद आप थर्ड ऑप्शन में ईमेल आईडी में भी आप कर सकते हैं क्लिक, उससे आपका ईमेल एड्रेस में आपको पासवर्ड जो है वो भेज दिया जाएगा। तो यहाँ हम सेकेंड ऑप्शन करके दिखा गए हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो उसके थ्रू कैसे आपको मिल जाएगा आपका पासवर्ड। इसलिए मैंने फॉर्म भरने टाइम भी आपको कहा था कि आप मोबाइल नंबर जो है वो आपका जो चालू है उसी को यूज़ करें और किसी भी फ्रेंड वगैरह का यूज़ ना करें, क्योंकि आगे जाके दिक्कत हो सकती है। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया फिर सेकंड ऑप्शन पे, फिर यहाँ कंटिन्यू किया, तो अब देखिए आपका जो फ़ोन है उसमें आपका आ जाएगा पासवर्ड, OTP आएगा, फिर पासवर्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना रहेगा, आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ भरना रहेगा और डेट ऑफ बर्थ भरना रहेगा, फिर आपको सिक्योरिटी पिन जो है उसको आप भरिएगा, फिर आपका हो जाएगा पासवर्ड, आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सीटेट से रिलेटेड आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। थैंक यू।